हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो आज मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। आप लोग क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें अच्छा सा समझने के लिए कोशिश कीजिए। जब आप क्वेश्चन सब अगर आपका क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका है ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड फ्रॉम द चिल्ड्रेन टू प्ले ए पार्क। एक जो कॉन्ट्रैक्टर है तो उसने उसको क्या बनाना है, तो स्लाइड बनाना है जो बच्चा को खेलने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारा स्टूडेंट है जो कि देखा होगा पार्क में जाने से बच्चे लोग का खेलने के लिए क्या होता है, स्लाइड होता है ना, देखा है आप लोग। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 5 ईयर्स, जो 5 ईयर्स से कमती एज है बच्चा जो बिलो 5 ईयर्स उस उनका लिए स्लाइड बनाएंगे कितना आपका, सी प्रीफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो बिलो जो 5 साल से कमती ईयर्स का बच्चा है उसका लिए जो स्लाइड बनाएंगे खेलने के लिए उसका कितना होगा हाइट 1.5 मीटर। ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसका एंगल कितना बनेंगे आपका 30 डिग्री। ऑलरेडी मैंने यहाँ उसके बाद आपका टू द ग्राउंड कहाँ से बनेगा आपका 30 डिग्री, ग्राउंड से। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, और जो बड़ा बच्चा है उनके लिए सी वेन टू हैव स्टेप्स स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। जो एल्डर बच्चा है ठीक है आपका, तो उसके लिए कितना बनाएंगे आपका 3 मीटर हाइट का। ठीक है, एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, उसका डिग्री कितना बन रहा है आपका 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, टू द ग्राउंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन इच केस। अभी उसका क्या निकलना है हम लोगों को, लेंथ निकलना है, क्या निकलना है हम लोगों को, लेंथ निकलना है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको दोनों अलग अलग करके मैंने डायग्राम बना दिया है आप लोगों को समझने के लिए, ताकि आप लोगों को समझने के लिए ईजी हो। देख लीजिए इसको डायग्राम को थोड़ा एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये जो फर्स्ट का आपका जो है ये देखिए, इसका जो हाइट कितना दिया गया आपका 1.5 स्लाइड दिया गया है। ठीक है, और आपका कितना डिग्री का एंगल बन रहा है आपका 30 डिग्री का, और नंबर टू जो है आपका कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री एल्डर का लिए। ठीक है ना, और इसका जो हाइट दिया गया कितना आपका स्लाइड कितना दिया गया आपका 3 मीटर। अभी हमको क्या निकलना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ठीक है, तो देख लीजिए मैं कैसे निकल रहा हूँ इसको। तो सबसे पहले जब हम लोग सॉल्व करते हैं क्या यूज़ करेंगे हम लोग, फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, पंडित बद्री प्रसाद, इसको मैं बार बार हर क्वेश्चन में बता के जा रहा हूँ आप लोग को, हर हर बोले होता है इसको। तो अब अभी हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग किसको लेंगे, परपेंडिकुलर बाय क्या लेंगे हम लोग, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और जब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता तो क्या आता है हम लोग का, टेन आता है, कोट आता है, या क्या आता है आपका, साइन आता है। क्या आता है आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, तो साइन कितना दिया हुआ है आपका, या हमें डिग्री कितना दिया गया हम लोग का 30 डिग्री। ये तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है हम लोग का, ए बी बाय हाइपोटेनियस कितना है हम लोग का, ए सी ऑलरेडी है डायग्राम में दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, ए सी यहाँ तो क्लियर है आपका। तो सेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपका, 1/2 इक्वल साइन ए बी कितना दिया गया आपका 1.5, एंड ए सी कितना दिया गया आपको, ए सी फाइन करने हम लोग को, वेरी गुड, निकलना है ना, गुड। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम लोग, ए सी इंटू 1 क्या हो जाएंगे हम लोग का, ए सी इज इक्वल टू 2 × 1.0 कितना हो जाएंगे हम लोग का, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं एक स्टेप कर ही देता हूँ आप लोग को, 2 × 1.5 ना, तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 3.0। ठीक है, तो इसका कितना निकल गया हम लोग का, यानी कि ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 मीटर ना,
थ्री मीटर, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट को करेंगे, ठीक है। ये कौन किसका हो गया आपका, बिलो फाइव ईयर्स, एज ऑफ फाइव ईयर्स। अब करेंगे हम लोग किसको, एल्डर चिल्ड्रेन के लिए, ठीक है। कौन सा एंगल लेंगे अभी हम लोग, इस एंगल को लेंगे। इस एंगल को लेने के लिए भी हम लोग का सेम ही है, वैसे ही है ना, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल क्या दिया गया हम लोग का, पी क्यू आर, क्या है हम लोग का, पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो पी क्यू आर अगर लेते हैं हम लोग, तो हम लोग का डिग्री कितना दिया गया था हम लोग का, सेन 60 डिग्री। इजिकल क्या हो जाएंगे हम लोग का, सेम केस ना, पी क्यू ना, पी क्यू बाई पी आर। तो अभी सिन 60 का वैल्यू कितना होता है हम लोग का, वो 3/2, वेरी गुड। आप लोग थोड़ा जोर से बोलिए आप लोग का, पी क्यू इजिकल कितना है हम लोग का, 3। पी क्यू इजिकल कितना है हम लोग का, 3। बाई पी आर क्या करना है हम लोग को, फाइन करना है, वेरी गुड। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएंगे हम लोग का, रूट 3 पी आर लिख सकते हैं ना, या तो आर पी रूट 3 लिख सकते हैं, 3 × 2 = 6, यानी कि पी आर इज इक्वल टू 6/ क्या हो जाएंगे, रूट 3। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज करेंगे ना, पी आर इज इक्वल टू 6/√3। अभी डिनोमिनेटर से क्या करते हैं आप लोग, रेशनलाइज करते हैं ना, √3/√3। अभी √3 इंटू 6 क्या हो जाएंगे, पी आर इज इक्वल टू 6√3/√3 क्या हो जाएंगे हम लोग का, √3 × √3, यानी कि पी आर इज इक्वल टू 6√3, यानी कि 3 और 3 निकलेंगे ना। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, कैसे कैंसिल होंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि पी आर इज इक्वल टू 2√3। हम लोग का आंसर निकल चुका है हम लोग का, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कुछ भी डाउट होगा तो क्या करना है आप लोग, कमेंट कीजिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।